नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के कुर्ला इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। कुर्ला इलाके में कई महीनों से खाली पड़ी एक बिल्डिंग से महिला का शव बरामद किया गया है। महिला का पहले रेप किया गया, उसके बाद हत्या को अंजाम दिया गया। महिला की उम्र करीब 20 साल बताई जा रही है। मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस को संदेह है कि पहले महिला का अपहरण कर यहां लाया गया, उसके बाद उसका रेप किया गया और फिर हत्या को यहीं पर अंजाम दिया गया। फिलहाल महिला के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। हमने 302-376 दाखिल किया है। हम तक जो विक्टिम है उनकी जो आइडेंटिटी है वो अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, एंड उस पर हमारी जो टीम है वो लगी हुई है। स्पेशल टीम्स बनाई गई हैं पूरे पुलिस स्टेशन से और आसपास के जो हमारे पुलिस स्टेशन से, वो सब इस बात पे फोकस कर रही हैं, इस केस को डिटेक्ट करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या कोई मिसिंग इस तरीके से अब तक रजिस्टर आपके रीजन में या फिर कहीं आसपास रजिस्टर हुए? सो फार जितने भी हमने चेक किए उसमें अभी तक ये रिपोर्ट नहीं मिली है, और अभी हम इसी पे काम कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज वगैरह अभी चेक किया जा रहा है, सो दैट और लोकल एरिया में उनकी पहचान करने के लिए आसपास के लोगों से, रेलवे स्टेशन से, सब जगह हम विचार कर रहे हैं, सबको पूछा जा रहा है। जैसे ही कंफर्म होगा तो उसके आगे और अलग अलग जो पहलू हैं उन सब पे तपास की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, एंड वी आर होपफुल कि उसमें हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा। फिजिकल असॉल्ट का मामला है क्या आपको? एविडेंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट ऐसा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया है, एंड उसी वजह से उसका सीजन ब्रेक ऐड किया गया। पुलिस के मुताबिक महिला का रेप और हत्या कुछ दिन पहले की गई। शव बहुत बुरी हालत में बरामद हुआ है। महिला की बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो गई थी। मामले का पता तब चला जब खाली इमारत में पड़ा महिला का शव सड़ना शुरू हो गया था। इस मामले में मुंबई पुलिस ने रेप और हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने विशेष टीम बनाई है जो आसपास के इलाकों के सीसीटीवी खंगाल रही हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।